बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के साथ कोरोना काल का बिजली बिल विदर्भ की जनता के लिए माफ करने की मांग को लेकर शहीद चौक पर किए जा रहे ठिया आंदोलन को हटाने के लिए पुलिस के QRT दल ने मंगलवार को अचानक कार्रवाई कर विदर्भवादी नेता वामनराव चटप सहित कई विदर्भवादियों को गिरफ्तार कर लिया। चटप को गिरफ्तार कर वहां से तहसील पुलिस थाना लाया गया तो इसकी जानकारी अन्य विदर्भवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हुई तो वे बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पहुंच गए। अतः विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन पुलिस ने उनकी भी गिरफ्तारी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं मानी और नेवले सहित सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार करने के साथ ही थी आंदोलन स्थल पर उनके सामान को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। वहां लगे पोस्टर और बैनर भी पुलिस ने फाड़ दिए। इतना ही नहीं, शहीद चौक स्थित विदर्भ चंडिका मंदिर को भी सील कर दिया गया। नेवले व चटप ने पुलिस के इस रवैये को तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने हक की मांग के लिए आंदोलन करना जनता का अधिकार है, जिसका पुलिस हनन कर रही है। दादागिरी से आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक विदर्भ राज्य की मांग पूरी नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। नेवले ने कहा कि पुलिस ने महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया और उन्हें जबरदस्ती वाहनों में ठूसा गया। कुछ महिलाओं को इससे चोट भी आई। इस गिरफ्तारी को लेकर विदर्भवादियों ने टांगा स्टैंड इतवारी में एक घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन किया। महिला आगाड़ी की रंजना मामारडे, युवा आगाड़ी के मुकेश मासूरकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। उनका आरोप है कि पुलिस ने चिढ़कर बैनर तक फाड़ डाला, जबरदस्ती वैन में ठूस कर थाना ले गए। आंदोलनकारियों ने कहा कि ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, आंदोलन जारी रहेगा। गिरफ्तार होने वालों में सुनील वडस्कर, रेखा निमजे, सुनीता येरने, प्रशांत जयकुमार, वृषभ वानखेड़े, ज्योति खांडेकर, गणेश शर्मा, उषा लांबट, शैलेश धर्माधिकारी, सुदाम राठौड़, राजेंद्र आगरकर, राज ठाकुर, वीना भोयर, दशा लांबट, राजू बोरकर, विजय मोदेकर, संजय हिंगे, अशोक हांडे, राजेंद्र सिंह ठाकुर, मुन्ना दुर्गे, प्यारू भाई, घीसू पाटिल, सुनील साबले, विष्णु पाटिल, अशोक पाटिल, गोविंदराव चिंतावार, मारुति गढ़पल्लीवार, रामराव ताड़पल्लीवार सहित बड़ी संख्या में विदर्भवादियों का समावेश है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के आदेश पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सत्कार कार्यक्रम किया जा रहा है। ब्लॉक नंबर 9 आदर्श कॉलोनी निवासी स्वतंत्रता सेनानी सेवकराम तुकाराम डेकाटे को नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। गोपाल नगर में रतनलाल गणपतलाल नेहरोत्रा के फोटो पर माल्यार्पण कर उनके पौत्र सपन नेहरोत्रा को शॉल और श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। गोपाल नगर में सखाराम बापूजी नासरे के फोटो पर माल्यार्पण कर उनके पौत्र दीपक नासरे का शॉल व श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। इस समय ब्लॉक नंबर 9 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज निगोट, ब्लॉक नंबर 7 अध्यक्ष पंकज थोरात, नगर संगठन सचिव अजय नासरे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया महासचिव आकाश तायवड़े, संजय तुरकर, शांतनु उमरेटकर, अभय सोमकुले आदि उपस्थित थे। अंगदान के बारे में नागरिकों में पर्याप्त जागरूकता नहीं है, इसलिए दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत अंगदान के बारे में कम चिंतित है और नागरिकों को
समाज में जरूरतमंदों के लिए अंगदान का संदेशवाहक होना चाहिए। इस आशय का आह्वान संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने आज यहाँ एक पत्रकार वार्ता में की। बता दें कि IMA संभागीय आयुक्त कार्यालय और सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय की भागीदारी के साथ अंगदान सप्ताह बुधवार से शुरू हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर IMA के डॉक्टर संजय देवतले, डॉक्टर विभावरी दानी, सूचना निदेशक हेमराज बागुल मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंगदान सप्ताह 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस सप्ताह का उद्घाटन 11 अगस्त को शाम 4 बजे IMA हॉल में होगा। सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों में डॉक्टर विभावरी दानी जोनल ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेशन सेंटर के संबंध में, 12 अगस्त को गुर्दादान पर डॉक्टर प्रकाश खेतान, 13 अगस्त को निखिलेश वेरागड़े व डॉक्टर समीर जहांगीरदार नेत्र एवं त्वचा दान पर तथा 14 अगस्त को लीवर डोनेशन पर डॉक्टर राहुल सक्सेना मार्गदर्शन करेंगे। बीते कुछ दिनों से नागपुर शहर में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ती ही जा रही है। तांडापेट परिसर में भाजपा युवा मोर्चा तरफ से डेंगू मलेरिया जन जागृति अभियान लिया गया। मध्य नागपुर के तांडापेट परिसर यह बहुत ही घनी बस्ती है, इसलिए इस बस्ती में डेंगू के बारे में जन जागृति होनी चाहिए। इस मकसद से भाजपा युवा मोर्चा ने आगे बढ़कर आरोग्य विभाग के मदद से डेंगू मलेरिया की बीमारी के बारे में जन जागृति मुहिम शुरू की। इस अभियान में प्रमुख तौर पर पूर्व पार्षद भास्कर पराते उपस्थित थे। उन्होंने नागरिकों को डेंगू मलेरिया के लक्षण और उपचार के बारे में बताया, साथ ही इस बीमारी में कैसे बचे इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अभियान में संजय नंदेश्वर, शुभम पानसरे, मनपा के कर्मचारी के अलावा भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष टोमेश्वर पराते, यश पांडे, भाजपा वार्ड अध्यक्ष नानू धकाते, महामंत्री शुभम मोंदेकर, विजय खंडे, सुनील सावनेरकर, विशाल भमोड़े, चंदू भिसिकर, अक्षय महाजन, निखिल बिनेकर, लक्ष्मण पांडे और भाजपा तांडापेट के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका की NDS टीम ने मंगलवार को 3 दुकानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। टीम ने 66 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार यह ऑपरेशन वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोन खोजी दस्तों द्वारा चलाया गया। डेंगू के रोकथाम के उपायों के तहत मनपा द्वारा शहर में जोनवार सर्वे किया जा रहा है। मंगलवार 10 अगस्त को शहर में 9,083 घरों का सर्वे किया जा चुका है। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत निगम की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्रों में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को जोन निहाय पथक द्वारा 9,083 घरों का सर्वे किया गया। इनमें से 407 घरों में डेंगू के लार्वे पाए गए। इसके अलावा 1,068 बुखार के मरीज मिले। 207 लोगों के रक्त के सैंपल लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 1,693 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 143 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम ने 278 कूलर खाली करवाए। 695 कूलरों में 1% टेमीफोस घोल डाल दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा फुटपाथ पर ठेले लगाने वालों के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से नागपुर नगर निगम के सामाजिक विकास विभाग के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। कैंप के लिए अब तक करीब 500 ठेले वालों ने पंजीकरण कराया है। सीताबड़ी स्थित टेंपल बाजार रोड पर पंडित रविशंकर शुक्ल हाई स्कूल में शिविर का आयोजन 13 अगस्त तक जारी है। शिविर का उद्घाटन 9 अगस्त को किया गया था। इस अवसर पर उपायुक्त सामाजिक विकास विभाग राजेश भगत, सामाजिक विकास अधिकारी दिनकर उमरेटकर, नगर अभियान प्रबंधक विनय त्रिकोलवार, प्रमोद खोबरागड़े, रितेश बंटे, नूतन मोरे आदि उपस्थित थे। शिविर में स्ट्रीट वेंडर भाग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बिजली का बिल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में जाति प्रमाण पत्र मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए 10 अगस्त को तहसील के रायपुर गांव परिसर के 125 नए कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केवल समीर मेघे ही भविष्य में रायपुर सहित निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और कस्बों के समग्र विकास की योजना बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता अनिल चांदपुरकर ने किया। इसमें रायपुर सर्कल के बड़ी संख्या में वरिष्ठ और युवा भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।
राजस्व विभाग ने फसल निरीक्षण के लिए ई फसल निरीक्षण नामक एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। जिले में 15 अगस्त से ई फसल निरीक्षण परियोजना लागू की जाएगी। किसान ई फसल निरीक्षण ऐप के जरिए अपनी फसल का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे जिले में फसल के सही क्षेत्रफल का पता चलेगा। इससे आर्थिक सर्वेक्षण और कृषि योजना बनाना संभव होगा। इसके लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग ई फसल सर्वेक्षण को एक महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करें। ये आह्वान कलेक्टर आर विमला ने कलेक्टर कार्यालय के बचत भवन में ई फसल निरीक्षण पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया। योजना पर परिचय देते हुए उप जिला अधिकारी सुजाता गंदे ने बताया कि इससे पहले पंजीकरण परियोजना को प्रायोगिक आधार पर 20 तहसीलों में लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि परियोजना की सफलता के बाद 30 जुलाई को राज्य भर में लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। कृषि भूमि पर फसलों को रिकॉर्ड करने की एक विधि है। इससे किसानों के उत्पादन, कृषि भूमि की ग्रेडिंग, सूखा, अधिक वर्षा या तूफान से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। इस फसल पंजीकरण के आधार पर किसानों को फसल ऋण भी दिया जाता है। इसलिए फसल निरीक्षण प्रणाली को अधिक सटीक और सरल बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोगी से पूरे राज्य में परियोजना लागू की जा रही है। ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल का वास्तविक समय में पंजीकरण कराना चाहते हैं। ई फसल सर्वेक्षण परियोजना प्रशिक्षण जागरूकता सप्ताह 9 से 14 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और ऐप ट्रांसफर किया जाएगा। इस ऐप को टाटा ट्रस्ट की मदद से बनाया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में किसान फसल की जानकारी भरेंगे, तलाटी फसलों के रिकॉर्ड की जाँच करेंगे। इससे फसल की बुआई की रियल टाइम जानकारी आवेदन में संकलित की जा सकेगी। इस जानकारी के संग्रह में भी पारदर्शिता होगी। फसल निरीक्षण पंजीकरण में किसानों की भागीदारी बढ़ाने से फसल बीमा और फसल निरीक्षण दावों के निपटान के प्रक्रिया में आसानी होगी। इससे किसानों को फसल कर्ज मिलना भी आसान हो जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में सटीक मुआवजा और सहायता प्रदान करना भी संभव होगा। ओबीसी समाज समिति महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से समिति के कार्यालय इंद्रप्रस्थ कॉलोनी ओमकार नगर में 7 अगस्त को ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा ओबीसी आरक्षण दिन मनाया गया। इस अवसर पर थोर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमाओं को उपस्थितों के हाथों माल्यार्पण किया गया। मंच पर कार्यक्रम में रमेश गिरडे, ओमकारेश्वर गुरव, राकेश भावलकर, कमलेश भवन, मुरली भोले उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ उमाटे ने की। राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव आभा पांडे के सहयोग से नागपुर शहर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से सराफा बाजार नागपुर का एक प्रतिनिधि मंडल सराफ स्वर्णकार एवं पुलिस विभाग संयुक्त दक्षता कमेटी को पूर्ण संचालन कर कार्यरत करने हेतु सविस्तार चर्चा हेतु मिला, जिसमें इस दक्षता समिति प्रमुख एवं कार्याध्यक्ष श्रीमान राजकुमार गुप्ता, पूर्वाध्यक्ष किशोर धारा शिवकर, उपाध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम कावले, संस्था महामंत्री श्रीमान राजेश रोकड़े, भारतीय स्वर्णकार समाज संस्था के कार्याध्यक्ष श्रीमान ओमकारेश्वर गुरव एवं श्रीमान मनसुखलाल सोनी आदि की प्रमुख उपस्थिति में मिले। सौहार्दपूर्ण माहौल में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से सविस्तार चर्चा हुई। महावितरण के लातूर सर्कल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मोहन दिवाते द्वारा लिखित पुस्तक जनसंपर्क आणि प्रसार माध्यम का विमोचन MSCDCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय सिंगल के हाथों किया गया। इस अवसर पर विजय सिंगल के साथ निदेशक संजय ताकसांडे, निदेशक रविंद्र सावंत, निदेशक भालचंद्र खंडाइत, कार्यकारी निदेशक सतीश चौहान, मुख्य महाप्रबंधक भरत जाड़कर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिल कांबले मौजूद थे। जिला ग्रामीण युवक कांग्रेस की ओर से कामटी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को एक लिखित निवेदन देकर शहर में दिनों दिन बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए विविध प्रभागों में आवश्यक उपयोजना व दवाइयों के छिड़काव की मांग की गई। बताया गया कि शहर में बढ़ते मच्छरों व गंदगी के कारण डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों समेत हर उम्र के लोगों में यह बीमारी फैल रही है, जिसे देखते हुए अनुरोध किया गया कि शहर के विभिन्न प्रभागों में ब्लीचिंग पाउडर, फॉगिंग मशीन व आवश्यक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए। जिन प्रभागों में कचरा स्थलों पर कचरा जमा है तथा गंदगी पसरी हुई है, वहां सफाई की कार्रवाई की जाए और डेंगू के प्रकोप में शहरवासियों की सुरक्षा की जाए।
अन्यथा युवक कांग्रेस नगर परिषद के सामने हल्ला बोल आंदोलन करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश भोयर के आदेश पर प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव इरशाद शेख के मार्गदर्शन में जिला ग्रामीण युवक कांग्रेस के सचिव राशि अंसारी के नेतृत्व में निवेदन सौंपा गया। नई रोशनी बहुउद्देशीय संस्था की ओर जीसस फोर्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संस्था के अध्यक्ष बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी, रेवरेंड सैमुअल सिडाम, रेवरेंड मनीष वाघमारे और जीसस फोर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष एनोस नियोगी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर अनिकेत इंगले, प्रीति बागड़े, राजेश्वरी निमोने का स्वागत, पुष्पगुच्छ, मिठाई और सर्टिफिकेट देकर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने मनोज निर्मल, अनिकेत हाड़के, सोनाली समुद्रे, सिस्टर शालिनी लोखंडे, वेरोनिका नियोगी, मोना बिल्लरवार आदि उपस्थित थे। नागपुर मेट्रो के पहले चरण के सभी 69 कोच चीन से शहर पहुंच गए हैं। मेट्रो ट्रेनों की संख्या 23 हो गई है। रीच 4 और रीच 2 पर सेवाएं शुरू होने पर महामेट्रो को सभी ट्रेनों की आवश्यकता होगी। इन ट्रेनों का निर्माण चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कारपोरेशन ने डालियान प्लांट में किया है। कोचों को चीन से चेन्नई और फिर सड़क मार्ग से नागपुर लाया गया। वर्तमान में रीच 1 और रीच 3 पर ट्रेनें चल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रतिबंध हटाने के बाद मंगलवार से फेरियों को बढ़ाकर 15 मिनट कर दिया गया है। बिना किसी चीरफाड़ के ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट प्रक्रिया से हृदय के खराब हो चुके वाल्व की जगह एक बड़े आकार के कृत्रिम वाल्व को लगाने का दुर्लभ ऑपरेशन करने में किंग्सवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम को सफलता हासिल हुई है। इससे एक बुजुर्ग को जीवनदान मिला है। बुजुर्ग अशोक भाभरा की 20 साल पहले एंजियोप्लास्टिक हुई थी। गत 3 से 4 साल से उन्होंने दवाइयां बंद कर दी थी। पिछले 2 वर्षों से उन्हें सांस लेने में तकलीफ व छाती में दर्द की शिकायत हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में उनकी तकलीफें काफी बढ़ गई थी, लिहाजा उन्हें किंग्सवे हॉस्पिटल के वरिष्ठ सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार से मुलाकात की। डॉक्टर गंजेवार ने जांच करने पर हृदय की धमनियों में बाधा निर्माण होने व वाल्व काफी सिकुड़ने का खुलासा हुआ। इस पर बाईपास सर्जरी के वाल्व बदलने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता थी। भारतीय युवा कांग्रेस का 61वां स्थापना दिवस समारोह बेजनबाग स्थित जनसंपर्क कार्यालय में मनाया गया। राज्य के ऊर्जा मंत्री व नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के मार्गदर्शन में तथा महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने त्याग, न्याय, शांति, सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं भारतीय भाषा, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं के ढांचे के सद्भावना और समभाव के सिद्धांत को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, महिलाओं व शोषित वर्ग के विकास व उत्थान के कार्य करने, आतंकवाद के संपूर्ण विनाश का मुकाबला करने का भी संकल्प लिया। युवाओं ने युवक कांग्रेस के झंडे को सलामी दी। अरविंद बाबू देशमुख सभागृह में विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल एवं अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पूर्व कृषि मंत्री रंजीत बाबू देशमुख के हस्ते काटोल, सावनेर, नरखेड एवं जलालखेड़ा के टॉपर्स छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम से हुआ। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज द्वारा डॉक्टर विंकी रघुवानी को प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। होटल सेंटर पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोबराकड़े, सचिव डॉक्टर नितिन वडस्कर, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश सिंह, पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल जवाहिरानी, अतिथि के रूप में प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम व प्रख्यात वकील डॉक्टर शिनाय उपस्थित थे। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ने डॉक्टर विंकी रघुवानी को शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्थापित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण न्यायालय की पूर्वी विदर्भ पीठ के सदस्य पद पर प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना तिवारी उपाध्याय का चयन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में डॉक्टर कल्पना तिवारी सदस्य हैं और उन्हें अब यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। विदर्भ ग्राहक भारती के अध्यक्ष प्रोफेसर पद्माकर देशमुख, नागपुर क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के शफीक खान पहलवान, लीलाधर लोहरे, प्रशांत चौधरी, रेखा भोंगड़े, दिलीप चौधरी, अर्चना पांडे, प्रशांत लांजेवार, आशा पांडे, कविता बोबड़े, उपभोक्ता पंचायत की स्वाति वंजारी, सुमेधा ठाकुर और वंदना तिवारी ने उनके नियुक्ति का स्वागत किया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।
तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।